स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल डॉक्टर दीपिका सिन्हा आर्ट में। और जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जी हाँ, आ गया है जन्माष्टमी का शुभ पर्व। और इस शुभ पर्व पे क्यों ना हम लोग कुछ बनाएं और श्री कृष्ण को गिफ्ट दें। जी हाँ, माखन से भरी मटकी के अलावा उनके लिए सबसे फेवरेट और क्या हो सकता है। जी हाँ, तो मैंने सोचा क्यों ना माखन से भरी मटकी बनाई जाए और वो श्री कृष्ण को गिफ्ट किया जाए हम सबकी तरफ से। तो चलिए आज हम लोग यही माखन की मटकी बनाएंगे और सुपर 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 इजी मेथड से। मैं जैसे हमेशा सिखाती हूँ वैसे ही सिखाऊंगी, और इंस्टेंट सिखाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप किया आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन हिट कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले एक मटकी ली है, ये 30 से 40 रुपए की छोटी सी मटकी है, क्योंकि माखन छोटी सी मटकी में लेना है। इनेमल लिया है मैंने, ये हार्डवेयर की शॉप में इजीली अवेलेबल हो जाता है। जो भी कलर आपको लेना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिए। और अब मैं इसको पेंट करना स्टार्ट करूँगी। मैंने तारपीन ऑयल मिलाया है, एक ढक्कन से आधा ढक्कन मिला सकते हैं आप, मिला लीजिएगा, थोड़ा सा लाइट हो जाएगा कलर और पेंट करने में आसानी होगी। और जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 कर लें, बेल बटन हिट करना ना भूलें, और प्लेलिस्ट जरूर चेक किया करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से जरूर जाएं। तो यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट कलर लगाया था येलो कलर, वो सूख गया है, और मैंने ऊपर का जो टॉप लेयर है वो मैंने छोड़ दिया था सेकंड कलर के लिए। तो मैं ये फिरोजी कलर ले रही हूँ, और देखिए कितना ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है, आप ये जरूर लगाइएगा, आपको मजा आएगा। और चलिए जल्दी से इस प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। देखिए हम लोग आ गए ना सबसे इंटरेस्टिंग जोन, वो है इंटरेस्टिंग जोन डेकोरेशन का। तो बेस तो क्लियर हो गया हमारा, सारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें गोटे से सजावट करेंगे। मैंने 3 प्रकार के गोटों से इस पर सजावट की है, आप चाहें तो एक प्रकार से भी कर सकते हैं, बट वो मज़ा नहीं आने वाला, मज़ा तो इसी प्रकार से आएगा। तो जल्दी जल्दी से गोटे को लगा करके आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने पतला गोटा लिया है, आप मोटा भी ले सकते हैं बट अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो मैंने फिरोजी कलर लगाया था वो जहाँ पे बॉर्डर था उसका, उसको क्लीन करने के लिए मैंने ये पतला सा गोटा लिया है, और इसको लगा के ये जो बॉर्डर है ये एकदम क्लीन सा हो जाएगा। तो फटाफट से इसको लगा के आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए अब हम लोग आगे टॉप पे, और टॉप पे मैंने बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सा गोटा लिया है। ये देखिए ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गोटा है, और इसके चारों तरफ शाइनिंग निकल रही है, तो माखन इसके अंदर रहेगा और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो चलिए फटाफट से इसे लगाते हैं। तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम थोड़ा सा और डेकोरेशन, और वो है मज़ेदार डेकोरेशन। जी हाँ, मैंने राउंड शेप में कुछ रिंग्स ली हैं, और ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, किसी भी आप डेकोरेशन की शॉप पे जाइए जहाँ पे क्राफ्ट का सामान मिलता है। तो फटाफट से इसको थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे लगाते हैं। अब ये तो लग गया, और मैंने कुछ मिरर्स लिए, ये राउंड शेप में है क्योंकि मटके में राउंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाला है, तो मैंने राउंड शेप लिया है। और जो ये मैंने रिंग्स लगाई थी फिरोजी कलर की या ब्लू कलर की, मैंने उनके सेंटर में इसे पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फटाफट से इसे पेस्ट करते हैं और विदाउट स्किप के वीडियो को देखते हैं, चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो लीजिए आ गया हम सबका फेवरेट जोन, जी हाँ, पेंटिंग का जोन, और ये बहुत मज़ेदार है। और मैंने फेविक्रिल का कलर लिया है, 20 to 22 रुपीज़ की बॉटल आती है, और 1 नंबर का ब्रश लिया है। अब मैं इस पर पेंटिंग स्टार्ट करूँगी, और पेंटिंग के लिए मैंने रेड कलर को ब्रश में लगाया, और इस प्रकार से मैंने एक लकीर खींची, इस प्रकार से एकदम सीधी लकीर हो चाहे ना हो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिल से बनाइएगा। और इस तरह प्रकार से मैंने दोनों साइड लीव्स बनाना स्टार्ट किया, और लीव्स
ऐसे ही बनाना है थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, और इस प्रकार से मैं जितना भी गैप है उसको इसी प्रकार से भरूंगी और इसी प्रकार से लीव्स बनाऊंगी। तो ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है, बहुत ही अमेजिंग लुक देने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ वो हमारी फैमिली का मेम्बर बने, सब्सक्राइब करें बटन को और बेल बटन हिट करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा प्ले लिस्ट ज़रूर चेक किया करें, मैं आप ही के लिए बनाती हूँ प्ले लिस्ट, बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए कि आपको ज़रा भी दिक्कत ना हो अपने इंटरेस्ट के वीडियोस को देखने में। तो जल्दी से इसे बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक किया करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फटाफट से इसकी बॉटम लेयर को भी पेंट कर देते हैं, क्योंकि सादा छोड़ने पे वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। तो इसी प्रकार से मैंने लीव्स बनाई और बीच बीच में थोड़े थोड़े फ्लावर्स मैंने डाल दिए, तो इससे थोड़ा सा गैप भरने में आसानी हुई। और ये क्योंकि नीचे से शेप इसका पतला होता जाता है, तो इसी प्रकार से बनाएंगे तो आपका बहुत ही खूबसूरत लगने वाला है ये मटका। तो जल्दी से इसे बनाते हैं और अच्छे से पेंट करते हैं और दिल से पेंट करते हैं, श्री कृष्णा को गिफ्ट करते हैं। तो लीजिए फटाफट से हम लोग आ गए अपने टॉप लेयर पे, और टॉप लेयर को पेंट करना स्टार्ट किया मैंने। वही फेविक्रिल का कलर लिया और एक नंबर का ब्रश लिया, और उसी तरीके से मैं पेंट कर रही हूँ जिस तरीके से नीचे लीव्स बनाई हैं, और यहाँ मैं पास पास बना रही हूँ लीव्स, तो ये बहुत ही मज़ेदार लगने वाली है। तो फटाफट से इसको बना के और आगे बढ़ते हैं, और देखिए कितना इंस्टेंट बनता है ये। अब फटाफट से गत्ता या थर्माकोल का गोल पीस काट करके जो भी मटके के ऊपर का फेस है उसके ऊपर पेस्ट कर देना, और बहुत प्यार से जेंटली पेस्ट करना। तो जल्दी से पेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे मुझे माखन बनाना है, क्योंकि ये श्री कृष्ण की मटकी है तो उसमें माखन होना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने रुई लिया है यानी कॉटन, और उसको मैंने गोल गोल करके बना लिया है हाथ से। उसको सेंटर में पहले मैंने पेस्ट किया, उसके बाद मैं साइड साइड में पेस्ट कर रही हूँ, और एक शेप देने के लिए एक बड़ा सरुई का गोला ले करके मैं सेंटर के ऊपर पेस्ट कर दूँगी, तो ये एक शेप बनेगा। तो जल्दी से पेस्ट करते हैं। राधे राधे। जी हाँ, हम लोग पहुँच गए अपने रिवीलिंग जोन पे, और ये देखिए कान्हा को कितने प्यारे हैं, और इनके बगल में रखी हुई माखन की मटकी तो और भी प्यारी है भाई। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख करके, और मेरा भी मन कर रहा है कि मैं भी थोड़ा सा माखन ले ही लूँ। तो श्री कृष्ण से थोड़ा सा पूछना पड़ेगा, क्या हमें माखन देंगे? क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे, और अपना आशीर्वाद भी देंगे, और अपने आशीर्वाद के साथ हम सबको अच्छे से और स्वस्थ रखेंगे। तो देखिए कितनी मज़े की ये मटकी लग रही है, और आप जो भी झांकी बनाएंगे आप उसमें माखन की एक मटकी अगर रखेंगे तो लोग पूछेंगे ज़रूर कि ये कहाँ से ख़रीदा आपने, तो आप खुद बताएंगे नहीं ये तो मेरा कान्हा के लिए प्रेम है जो माखन के रूप में झलक रहा है, और मैंने ये खुद बनाया है। तो लोग कहेंगे वाह क्या क्रिएशन है, और आपकी तारीफ ही तारीफ, और आपकी तारीफ़ यानी मेरी तारीफ़ यानी मेरी खुशी, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि आप ये माखन की भरी मटकी बनाइए और इस जन्माष्टमी कान्हा को गिफ्ट दीजिए, और हम सबकी तरफ से दीजिए, हमारे पूरे दुनिया की तरफ से, वर्ल्ड की तरफ से दीजिए, और इनसे आशीर्वाद लीजिए कि हे ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, और हम सबको बहुत आगे बरकत दे, तरक्की दे, और खुशहाल रखे, और हमेशा मुस्कुराते हुए हम लोगों का जीवन व्यतीत हो, इस तरीके की कामना करते हुए आज मैं अपने वीडियो को यहीं अंत करती हूँ। और इसके अलावा जो भी हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं और विदाउट स्किप किए देखे हैं, उनसे जय श्री कृष्णा। तो फिर मिलते हैं एक नए उत्साह एक नए उमंग के साथ। जय हिंद जय भारत, हमेशा खुश रहिए।